खाइए नहीं, खाइए नहीं, 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 नहीं बस चाहिए। सिर्फ एक नहीं एक, चाहिए हाँ। बस करो मुंह में चलो जल्दी खाओ आई। कितनी देर लगा दी आपने, आप नहीं आते तो वो बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं, खाना भी नहीं खाते। सच में? चलो मोमो चलो हम चलते हैं, खाना कैसे खा लो। हो तुम? चलो कहाँ थे इतनी देर? जल्दी करो आ जाओ। मैं काम पर गया था। ओ बैठो, आप नाश्ता कीजिए ना। हाँ ठीक है, तुमको देखकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं खाऊंगा। वांग सर, आप मिस्टर जोंग का ध्यान रखिए, मैं तब तक इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ। ठीक है। साथ में क्यों नहीं खाते? मैंने खा लिया है। चलो चलो जल्दी करो। गुड बाय ग्रैंडपा। ओ हाँ ठीक है, अलविदा अलविदा। ठीक है हाँ। ये पिछले कुछ महीनों की रेसिपिएंट की लिस्ट है, आपको उनकी सामग्री को अलग करने की जरूरत है। ठीक है फांग्या। फांग्या, इस लिस्ट में हुआंग जिली क्यों दिख रहा है? और हम कर भी क्या सकते हैं, हम आधे रास्ते हार भी नहीं मान सकते। डायरेक्टर लियाओ को छोड़ो, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। हाँ ठीक है, मैं काम पे लौटता हूं। जाओ। मैंने आपसे पहले कहा था, डायरेक्टर ले आओ, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि तुम थोड़ी बेचैन हो। मैं ठीक हूँ। जानकर अच्छा लगा, मुझे पता है कि तुम्हारा मूड खराब है और इस बात का असर तुम्हारे काम पर पड़ रहा है, ये देख रहा हूँ मैं। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं डिफिकल्टीज का डटकर सामना करना चाहती हूँ, इतने जल्दी भूल गई तुम? नहीं। तो जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाओ, क्योंकि जो डिफिकल्टीज का सामना करना चाहता है वो कभी निराश नहीं होता, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये जरूर कर सकती हो, अदरवाइज तुम मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दोगे। हाँ डायरेक्टर ले आओ। चलो अच्छी बात है। हाँ निराश होने की क्षमता, ये क्या है? जहां से गिरे वहीं से उठ के खड़े हो जाओ। बंद कर दिया। जल्दी करो ना, हमें लेट हो रहा है। अभी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? समझने के लिए इतना टाइम? मेरे शूज कहाँ हैं? बाहर ही तो रखे हैं।
कैसा है, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी इयररिंग्स? कौन कौन है? शायद डिलीवरी। मैडम फांग, आप यहाँ कैसे? मैं आपसे मिलने आई हूँ। आपके भाई अब तक काम पर नहीं गए हैं ना? नहीं, वो तो काम पर ही गए हैं। मैडम फांग, भैया अब यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते? आप देख लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं। तो अब वो कहाँ रहते हैं? वो जहाँ काम करते हैं वही कहीं पास में ही रहते हैं, अपने ऑफिस के पास। तुमने कहा कि वो काम पर गया था, है ना? जीकियांग का मतलब है कि वो काम करते हैं अभी। वांगजली का नया एड्रेस बताइए। नया एड्रेस तुम्हें पता है ना? मैडम फांग, बात ऐसी है कि हम फिलहाल हमारे काम में बहुत बिजी हैं, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा भाई कब शिफ्ट हो गया, और जब मुझे पता चला मैं मिलने गया तो वो किसी बिजनेस ट्रिप पे चला गया। बहुत हो चुका। खैर, मैं अभी आपको बीच में नहीं रोकूंगी। थैंक यू। गुड बाय मैडम फांग। वांग जी चैंग, उनका फोन बंद है। अगर उनसे बात हुई तो कहना कि मुझे उनसे बात करनी है। बाय मैडम फांग। तुमने उसे क्यों बताया कि मेरा भाई शिफ्ट हो गया है? क्या तुम वापस उसे मुसीबत में डालना चाहती हो? मैडम फांग, हमारे पीछे पड़ जाएगी अगर हमने सच नहीं बताया तो मेरे भाई का क्या होगा? तुम्हें बहादुरी से सच का सामना करना चाहिए। तुम्हारा भाई कोई छोटा बच्चा नहीं, हम सारी जिंदगी उसकी फिक्र नहीं कर सकते। अरे यार, चलो ना। अरे चुप रहो ना यार, मैडम फांग अभी तक बाहर ही है। आज मॉर्निंग में मैडम फांग आई थी, आपके बारे में पूछ रही थी, तो मैंने बताया कि आप यहां से शिफ्ट हो चुके हो और अभी बिजनेस ट्रिप पे हो। जिले, हाँ इधर आओ। आओ। क्या हो गया? ये देखो, देखो कितने सालों से अस्पताल में काम कर रहे हो। 10 साल हो गए। उस समय मैंने हॉस्पिटल में ज्यादा काम नहीं किया था। बैठो। हाँ। और तुम मेरे सभी छात्रों में सबसे अच्छे थे, सर्वश्रेष्ठ, और मुझे पूरा विश्वास था कि तुम कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड बनोगे, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनोगे कार्डियोलॉजी में। आपको मुझसे बहुत उम्मीद थी। अच्छा मुझे बताओ कि कौन से विभाग में तुम सबसे अच्छे हो? मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा हूं। नहीं तो फिर कहां चले गए? डैड, मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया। तो फिर अब कहां काम कर रहे हो? पेशा बदल लिया? क्या मतलब, तुम बाकी सब की तरह व्यापार कर रहे हो? ठीक है जिली, अपने हॉस्पिटल में तुम्हें रखने की मैंने कितनी मेहनत की थी। मैं जानता हूं तुम प्रतिभाशाली डॉक्टर हो, इसलिए मेहनत की थी मैंने।
और मेरी बेटी ने तुमसे शादी भी की है। एक और बात जानते हो? मेरा मतलब है, मैं अस्पताल में काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास दूसरा बिजनेस है। आप शांत हो जाइए। हाँ, मुझे पता है कि तुम अपना पेशा नहीं बदलने वाले जिले। हम डॉक्टर्स ना बहुत त्याग करते हैं, हम थक भी जाते हैं जिले। हम बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं बनाते, लेकिन पैसे से ज्यादा जरूरी हमारे लिए इज्जत का माना होता है। जाओ, मेरी नोटबुक लेकर आओ, ड्रॉअर में पड़ी है। मेरे सारे जीवन का अनुभव है। मैंने पहली सर्जरी से लिखना शुरू किया, 1000 से अधिक ऑपरेशनों का रिकॉर्ड और अनुभव। और यह सब तुम्हारा है, तुम इन्हें जाओ पढ़ो और समझना शुरू करो, तब तुम सबसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे। सिर्फ मेरे हॉस्पिटल में नहीं, जहां भी जाओगे वहां तुम सबसे अच्छे कहलाओगे। रख लो, हिपोक्रेटिस की शपथ के लिए मेहनत करो। चलो टहलने के लिए बाहर चलो। हाँ ठीक है। क्या आपको जैकेट चाहिए? नहीं नहीं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जोंग, आपका दामाद बेटे जैसा है। मेरा दामाद वापस आ गया। अरे जोंग, इतनी सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए भी आप निकल के आते हो। देखो मेरा दामाद वापस आ गया। यार सही कहा, बहुत बढ़िया। गुड बाय। बाय बाय। हेलो हेलो। हेलो। हाय, आप मोमो के पेरेंट्स हैं क्या? जी हाँ, बताइए क्या बात है। मैं मोमो की टीचर बोल रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारी एक पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी है दोपहर में, क्या आप आ सकते हैं? पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी? जी, मैं आपको डिटेल्स चैट ग्रुप पर भेज दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ठीक है। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? आपकी नौकरानी ने मुझे दिया है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। हाँ मुझे भी चाहिए। मोमो क्या ये तुम्हारा मेडिसिन है? हाँ मोमो, तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल किया था, मेडिसिन लेने के लिए कहा था। ये दवाई कड़वी नहीं है। नहीं, ये तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है, मॉम ने स्पेशली मेरे लिए बनाई है। ये रूमाल मुझे भी चाहिए, रूमाल हम मुझे भी चाहिए, रूमाल। तुम भुलक्कड़ हो। ऐसा कुछ नहीं है,
तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम खुश नहीं हो? सब सर्जरी के प्रेशर की वजह से, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हो जाएगा। सुनो, मुझे बेटी के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे लगता है वो इस स्कूल में ज्यादा खुश नहीं है। मैं उसे इंटरनेशनल स्कूल में शिफ्ट करना चाहती हूँ। इंटरनेशनल स्कूल? तुम्हें यकीन है कि वो इंटरनेशनल स्कूल जाके वो सबके साथ कंफर्टेबली रहेगी? मैं सिर्फ इस बारे में बात कर रही हूँ, और तुम्हें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए अब। अरे अब एकदम से ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारे डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है, तुम बात अच्छे से जानती हो। पर तुम अपनी बच्ची को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तुम इतने बिजी हो पर फिर भी चीफ रेजिडेंट नहीं बन पाए। जैंग जियान ने इस बात का फायदा उठाया। बस कुछ ही दिनों की बात है। खुद को धोखा देना बंद करो। होंग जीवी के जाने के बाद उन्होंने तुम्हें प्रमोशन नहीं दी? डीन ली, उन्हें अब तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। वो लोग प्रमोशन दें कि नहीं दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही गोल है, वो है बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनना। मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। तुम्हारी बेटी इम्पोर्टेंट नहीं है? दोनों बातों में बहुत फर्क है। तो इंटरनेशनल स्कूल का क्या? हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे कर लो। अब खुश? आज दोपहर को मेरी माँ उसको स्कूल से पिक कर लेंगी। इंटरनेशनल स्कूल देखने चलोगे? आज दोपहर में? हाँ। नहीं नहीं, सर्जरी करने जाना है। आज दोपहर कोई सर्जरी नहीं है। जांग जांग की कंसल्टेशन की जिम्मेदारी मिली है। क्या तुम जैंग जियान को मस्का मार रहे हो? जो ठीक लगे करो, मुझे अभी जाना है, बाद में बात करते हैं। चलो हाँ, चलो चलो जल्दी करो। गुड नाइट। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। वाओ हाँ, फिर से मिलेंगे। मजा आया? मुमू ने बताया कि उसकी दवाई तो स्ट्रॉबेरी वाली है, मुझे वो पसंद है। मामा ने तुम्हारे लिए कलर पेंसिल्स खरीदी हैं। घर चल के अपना होमवर्क कर लेना। चलो घर चलते हैं। मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। क्या कहना चाह रहे हो? चलो घर चलते हैं। मुझे नहीं आना, मुझे लग रहा है। चलो। क्या बात है? टीचो, ये एक बहुत बुरे अंकल है, मुझे सताते हैं। क्या बोल कर रहे हो तुम? क्या आप मोमो को पिक करने आए हैं? हाँ। ये मुझे बहुत सताते हैं, इनके साथ मुझे नहीं जाना। कोई बात नहीं, मैं इसे ऑफिस में ले जाती हूँ, मुझे मैम से बात करनी पड़ेगी। चलो मोमो, हम ऑफिस में चलते हैं। अच्छा ऐसी बात है। देखिए अभी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगी। कुछ लोग बायोलॉजिकल नहीं होते लेकिन बायोलॉजिकल पेरेंट्स से काफ़ी क्लोज होते हैं। हमारे पास किंडरगार्टन में एक है, एक फॉरेन कपल ने अडॉप्ट किया एक चाइनीज बच्चे को, वो उससे काफ़ी प्यार करते हैं। तो आप मोमो के लिए ठीक क्यों नहीं हो सकते? लीगली तो आप उनके ही पिता है ना? तुम्हें उसे प्यार करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, वरना बच्चों को काफ़ी बुरा लग सकता है ना? डायरेक्टर आप सही कह रही हैं। थैंक यू। आप यहाँ पे पहली बार आए हैं, ये एक बढ़िया शुरुआत है। आप उसके करीब जाने की कोशिश कीजिए और देखिए सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। मोमो अपने पापा के साथ घर जाओ। लेकिन ये मेरे डैड नहीं है। क्लास खत्म हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। ओ अरे रुको, मोमो का बैग। ओ थैंक यू सो मच मैम, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम। सुनो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? तुम्हें समझने की जरूरत है, मैं यहाँ तुम्हारी मॉम की देखभाल करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब वो यहाँ से दूर होगी तब हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रहेंगे, खुश रहेंगे। सही कह रहा हूँ ना? हाँ बोलो। लेकिन आप मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। क्या? मुझे आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने मुझे चिढ़ाया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप एक नंबर के बेवकूफ हैं।
ग्रैंडपा मैं आ गया। माफ करना थोड़ा सा लेट हो गया। कितने बजे हैं? हाँ तुम एक घंटा लेट हो। आज की सर्जरी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, आज आ गया हूँ ऐसे ही बात समझो। तुम्हें पहले से मालूम था कि मेरी आज सर्जरी है, फिर आज रात इस वक्त में तुमने मुझे क्यों इनवाइट किया? आज हमारी 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम भूल गए? अरे अरे यार I'm sorry. आजकल काम का इतना लोड बढ़ गया है ना कि क्या करूं, भूल जाता हूं। वोंग जूनी तुम रोज मुझसे माफी मांगते रहते हो। एक बात बताओ, तुम्हें ये जगह याद है? ये वाला रेस्टोरेंट, हम पहले भी आ चुके हैं। वोंग जूनी तुम 5 साल पहले मुझे यही डिनर पर लाए थे। सच में? ओ हाँ सही कह रहे हो, वही वाली टेबल थी ना वहाँ। मैं भी ना, I'm sorry, 5 साल हो गए ना, पर जानबूझ के नहीं भूला मैं। हाँ ठीक है, नाराज मत हो। लाओ अपना हाथ दो मुझे, दो ना अपना हाथ दो। चलो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ये आखिरी बार है, आज के बाद मैं कुछ भी नहीं भूलूं, विश्वास रखो, पक्का प्रॉमिस, सच। लो वाइन पियो। तुमने कुछ ऑर्डर किया कि नहीं? ठीक है चलो इसी बात पे सेलिब्रेशन हो जाए। आई प्रॉमिस यू ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा। लो आओ चीयर्स, ये हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के नाम। दोबारा देर मत करना। हाँ हाँ ठीक है अब पियो, एंजॉय करो। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर तैयार हुआ? आज का ऑपरेशन बिल्कुल भी ठीक से नहीं हो पाया, बहुत दिक्कत आई, गड़बड़ हो गई। थैंक यू। हाँ चलो। एक बात बता रही हूँ, अगली बार तुम लेट आए तो मैं चली जाऊंगी। नहीं आऊंगा। लो मेरे हाथ से एक और खाओ। ये शुक्रिया जूनी। तुम्हारे प्लान्स क्या है याव याव के बारे में? प्लान्स का क्या है? वो इंटरनेशनल किंडरगार्टन स्कूल जाएगी और क्या? मेरा मतलब किंडरगार्टन के बाद? किंडरगार्टन के बाद जूनियर स्कूल जाएगी, फिर उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल और क्या? मेरा मतलब कौन सी स्कूल जाएगी वो? स्कूल का क्या है, हमारे घर के सामने जो स्कूल है उसी में एडमिशन करवा देंगे। बिल्कुल भी नहीं, याव याव को विदेश भेजना चाहती हूँ। बाहर भेजोगी स्कूलिंग के लिए? हाँ। किस खुशी में? एक बात बताऊँ, वो जो लड़का है ना हमारी सोसाइटी में, बहुत ही बदमाश, उसकी माँ ने उसे न्यूजीलैंड भेजा है और 10 महीनों में वो बच्चा बिल्कुल तमीजदार बन गया और विदेशी भाषा भी अच्छे से बोलने लगा। उसकी माँ उसके बारे में रोज बताती है। हाँ ठीक है समझ गया। अच्छी बात है बच्चे को बाहर भेजना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे बाहर जाके अच्छा लगेगा, वो छोटी बच्ची है। याव याव कहीं भी जा सकती है, मैं उसे बेहतर बनाना चाहती हूँ। देखो हमारे जो डोमेस्टिक स्कूलिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से बिल्कुल भी अलग नहीं है, कोई फर्क नहीं बचा है आजकल, सारा सिस्टम सेम है। मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं कुछ नहीं जानती, ये मेरा आखिरी फैसला है। ऐसे कैसे अपना फाइनल डिसीजन सुना रही हो? हाँ ठीक है, तो मेरी भी एक बात सुन लो, मान लो कि वो बाहर जाती है फिर तुम दोनों अब्रॉड कैसे रहोगे, वो भी अकेले, कुछ सोचा इस बारे में? तुम्हें रिजाइन करना चाहिए और हमारे साथ चलना चाहिए। अपने काम पे रिजिग्नेशन देकर मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूं? मजाक सोच रहा है क्या, पागल हो? मैंने इस बारे में सब सोच रखा है जूनी। देखो तुम काबिल डॉक्टर हो, बाहर काम कर सकते हो। तुम सीरियसली मुझसे ये कह रही हो? बिल्कुल सीरियस हूँ। जाथियान मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूँ, अब इतने सालों से एक ही फील्ड में मेहनत करने के बाद तुम चाहती हो मैं इसे एकदम से छोड़ दूं और बाहर जाके नया काम करूं, पागल हो गया हूं क्या? वोंग जूनी तुम एक गलत फहमी में जी रहे हो, इतने साल मेहनत करने के बाद भी तुम एक चीफ रेजिडेंट डॉक्टर नहीं बन पाए, इसका क्या फायदा हुआ? हाँ ठीक है मैं अपना चीफ रेजिडेंट की नौकरी छोड़ देता हूँ, 5 साल और रहूंगा और डायरेक्टर बन जाऊंगा, और फिर अगर 10 साल रुक जाता हूँ तो डेप्यूटी डीन भी बन सकता हूँ, जानती हो तुम ये बात? एक बात बताओ, डेप्यूटी चीफ के बाद तुम क्या बनोगे? क्या मतलब? हाँ यार हमारी अच्छी खासी जिंदगी होगी, तुम फिर अच्छे से जी पाओगी एक बेहतर जिंदगी, और एक क्या बात चाहिए बता दूं, डिप्टी डीन बनके तुम बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे, तब तक तुम्हारे पास मेरे और याव याव के लिए वक्त ही नहीं होगा। तुम जानते हो तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए हम तरस जाते हैं, हमें तुम्हारे करियर से कुछ लेना देना नहीं। सही कह रहे, क्वालिटी टाइम जरूरी है, लेकिन पैसा नहीं होगा तो क्वालिटी टाइम का अचार डालेंगे। सारा वक्त सिर्फ पैसे के बारे में बात मत किया करो। अरे लेकिन पैसा। एक बात बताओ, बच्ची के बर्थडे पे तुम क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। जब वो बीमार थी तब तुम ऑपरेशन कर रहे थे।
वेडिंग एनिवर्सरी पे तुम लेट आए, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ठीक 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 है, ठीक, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ ये सारी मेरी गलती है, आज इसे छोड़ते हैं, कभी और बात करेंगे इस बारे में। उसे इंटरनेशनल स्कूल भेजने की बात है ना, पर अभी तो वो किंडरगार्टन भी नहीं गई है, अभी बहुत साल है इसमें, है कि नहीं? कभी और इस बारे में बात करेंगे, क्यों अभी मूड खराब करते हो? हाँ ठीक है, जो कहोगे वैसा ही करेंगे। पक्का? पक्का, जैसा तुम बोलो। अभी तुम शांत हो जाओ, वाइन पियो, अभी नाराज होने का कोई फायदा नहीं। आज हमें अपनी एनिवर्सरी एंजॉय करनी है, दोबारा देर मत करना। हाँ बिल्कुल। हेलो जिली, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, सो रहा हूँ। इतनी जल्दी सो रहे हो? अब क्या इतना ज्यादा काम करते हो आजकल? हाँ हाँ, बहुत थक गया हूँ। खैर, मैं कुछ दिन पहले डीआर हीरे की अंगूठी देखने गई थी, उसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन सेल्स गर्ल ने कहा कि उसे केवल मर्द ही खरीद सकते हैं, उन्होंने मुझे नहीं दिया। कितनी अजीब बात है। सच में? जब तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या हम साथ में जा सकते हैं? ठीक है, हाँ जा सकते हैं। तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मैं सोता हूँ। क्या कर रहे हो सुबह सुबह? मुझे सोने दो। चलो जल्दी उठो, अभी उठने का समय हो गया है। मुझे सुबह सुबह परेशान मत करो, समझ गए ना तुम? चलो उठो जल्दी। मुझे परेशान मत करो मोमो। क्या हुआ सर? आपको आज मोमो को भेजना चाहिए। आज वीकेंड है ना, लेकिन डॉक्टर जोंग ने उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दी हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस? जी, वीकेंड पर पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी होती है। पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी? जी सर, तो आपको मोमो के साथ जाना चाहिए, मैं डॉक्टर जोंग की देखभाल कर लूंगी। ठीक है, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। मोमो, पिश, पिश, पिश। चलो अब हमें देर हो रही है। चलो जल्दी चलो, मैं लेट मुझे हो जाऊंगा। पता है, जल्दी करो। यहाँ यहाँ
ग्रैंडपा मैं वापस आ गया। अरे वाह शाबाश, जाओ अपने हाथ धोकर आओ। वाह खाने में आज मेरे फेवरेट डंपलिंग्स हैं। हाँ तुम्हारे लिए हैं। हाथ धोकर आओ फिर खाना। आइए खाइए ना, ठंडे हो जाएंगे। नहीं मुझे भूख नहीं है जी। सर आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है बच्चों की परवरिश करना बहुत मेहनत का काम है। आपको जल्दी ही इसकी आदत पड़ जाएगी, कुछ ही दिनों की बात है। चलिए जल्दी कीजिए जी। मिस्टर जॉन चलिए हम लोग खाते हैं। मैं अपने आप कर लूंगा। डंपलिंग्स। हमें मोमो के लिए वेट करना चाहिए। हाँ लीजिए ना सर। बहुत ही अच्छा है। क्या हुआ, बहुत कंफ्यूज हो? खाओ। मन्यू इतना स्ट्रेस देने के लिए सॉरी। नहीं मेरा अपना करियर होना चाहिए, मेरा मिजाज अब बहुत बदल गया है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हाँ मन्यू तुम महान हो, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। मुझे तुम्हें कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला। चलो कुछ खाने चलते हैं। ठीक है पर मुझे वो सस्ता वाला बारबेक्यू नहीं खाना। तो तुम क्या खाना चाहती हो, कबाब बिरयानी? मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या नया मिल रहा है। क्यों ना मैं भैया को बुला लूँ, बहुत दिनों से देखा नहीं उन्हें। पहले हम इतने सालों से साथ में रहे इसलिए भैया को आज बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। अगर इतनी ज्यादा याद आ रही है तो जाके उनके साथ ही रह जाओ ना, वैसे भी उसका घर हमारे घर से बहुत ज्यादा सुंदर है और बड़ा भी। क्या मतलब है तुम्हारा, अब मुझे भी भगाना चाहती हो? कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्या तुम्हें डर लगता है वो तुम्हें बाहर निकाल देगी? अरे मेरा भाई आजकल थोड़ा गुमसुम रहता है, उम्मीद है कि वो उसके साथ अच्छे से चल हो जाए। हे, वो देखो वहाँ पे जैपनीज स्टोर है, चलो चल के वहीं खाते हैं। तो चलो ना फिर, बिल तो मुझे ही पे करना है। हेलो हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है ओके। मिस्टर वांग नाश्ता कर लीजिए। अभी नहीं मुझे लेट हो रहा है, मैं बाद में खाऊंगा। ठीक है। मोमो मोमो जल्दी आके नाश्ता कर लो, जल्दी चलो। आंटी मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे आज जू जाना है। आज हम जू नहीं जा रहे हैं, मुझे नाना की देखभाल करनी है, तुम्हें ले जाने वाला कोई नहीं है, हम यही खेलेंगे, अच्छे बच्चे हो तुम।
हेलो जिली, मैं सनसेट रेड एक्टिविटी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। तुम अभी कहाँ हो? वो यहाँ नहीं है। हाँ हाँ, तुम कौन हो? मैं मोमो हूँ। मोमो? सनसेट रेड एक्टिविटी सेंटर। एक्सक्यूज मी ड्राइवर, मैं फोन लेना भूल गया, वापस जा सकते हैं प्लीज? ठीक है, लेकिन अब पीछे मुड़ना थोड़ा सा मुश्किल है सर। Excuse me, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं प्लीज? हाँ ये लीजिए। थैंक यू थैंक यू। हेलो। हेलो, मैं हूँ वांग जिली बोल रहा हूँ। मेरा फोन घर पर ही है, जरा एक बार चेक करना प्लीज। यहाँ तो नहीं है। नहीं, आप प्लीज एक बार अच्छे से चेक करेंगी? अच्छा ठीक है, आप रुकिए एक मिनट। देखो मैं श्योर हूँ कि मैंने घर पर ही रखा है फोन, मैंने बाहर जाने से पहले फोन किया था। देख रही हूँ मैं, यहाँ तो नहीं है, सोफे पे भी नहीं है। अच्छा, अगर आपको फोन मिल जाता तो किसी का भी कॉल मत उठाना, वो मेरे कुछ पर्सनल कॉल। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं ऊपर जा रही हूँ, वहाँ जाके देखती हूँ। नहीं है यहाँ पर। फोन मिला तुम्हें? नहीं सर, यहाँ नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया पर बिल्कुल नहीं मिला। ठीक है, भूल जाओ, तुम घर पर रहो, मैं बाद में आकर देखूंगा। ओके ओके, तुम ध्यान रखो। ठीक है सर, मैं रखती हूँ। एक्सक्यूज मी, सीधे सनसेट रेड सेंटर ही ले चलो। ठीक है। मोमो मोमो, मोमो, सॉरी मैं लेट हूँ। फाइनली तुम आ गए, इसे लगाओ। सॉरी ट्रैफिक जाम था, मैं कॉल करने ही वाला था लेकिन फोन घर पर भूल गया। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, आओ मेरे साथ। आपको कैसे मालूम? मैंने तुम्हें फोन किया था, एक लड़के ने फोन का जवाब दिया कि आपकी बात मोमो से हो रही है। क्या? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वो जोंगकिंग का बेटा है ना, आपने तो तलाक दे दिया था ना, है ना? तो आपने फिर दोबारा शादी की? नहीं, मैं कुछ दिन पहले जोंग से मिलने गया था। जोंगकिंग एक बिजनेस ट्रिप पर अफ्रीका गई है, इसीलिए मैं बस हेल्प कर रहा हूँ। इसका जिक्र मत करो, यह अंदर की बात है। इसीलिए शायद तुम इतने ज्यादा बिजी रहते हो। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ सनसेट रेड सेंटर में कई सदस्य ऐसे हैं जो
प्रोडक्ट प्रमोशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छी बात है। हाँ हेलो, कहाँ, किस वक्त? समझ गया। मैडम फांग, क्या किसी हुआ? का फोन आया था, कह रहे हैं कि 5 साल का बच्चा मिसिंग है। जाओ मॉनिटरिंग रूम में देखो। समझ गया।